हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का शक्ति बैच में ऑन डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग दो मेजर चीजों को डिस्कस करने आ रहे हैं। ज्यादा बड़ा ही आपका लेक्चर आज जानबूझ के मैंने नहीं किया, क्योंकि ये जो दो पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको डेफिनेटली इन एरियाज से क्वेश्चन मिल सकता है। इसीलिए मैंने आज सिर्फ और सिर्फ इन दो एरियाज पे ही फोकस किया है। तो आज मैं आपके साथ, आपकी डिमांड भी थी कि सर ओलंपिक्स के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और पैरा ओलंपिक्स को भी कवर किया है। साथ में मैं आज यहां पर चंद्रयान 2 के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि चंद्रयान 2 ने, ये रिसेंट की न्यूज है, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, चंद्रयान 2 ने मून के ऊपर पानी के प्रेजेंस को कंफर्म किया है। तो एग्जैक्टली आप कहेंगे सर पानी तो पहले ही मिल चुका है, हुआ क्या, कंफर्म है एग्जैक्टली क्या चीज कंफर्म हुई है, चंद्रयान 2 ने करी है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चंद्रयान 2 क्या था, चंद्रयान 1 क्या था, चंद्रयान 2 के बीच के जो फेलियर्स हुए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सब चीजों के आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर के नोट चाहिए हैं तो आप PW ऐप पे जाइए, वहां पर आपको शक्ति बैच का बैनर मिलेगा, उसको वहां पर लिखा होगा बाय नाउ, उस पर आप क्लिक करिए तो आपको ये बैच विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी पैसे ये बैच सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सॉरी, तो चलिए शुरू करते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करना है, इन पे हम लोग बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे और चंद्रयान 2 ने जो मून पे पानी कंफर्म किया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देख सकते हैं यहां पर आप, ये जो न्यूज छपी हुई है साफ साफ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहां पर, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, चंद्रयान 2 फाइंड्स वाटर आइस। देखिए क्या चीज मिला है, ध्यान दीजिएगा, इस आर्टिकल को मेरे साथ साथ पढ़िएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो देखिए चंद्रयान 2 ने क्या किया है, फाइंड्स वाटर आइस ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून, ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून दैट हैज नॉट सीन सनलाइट इन 2 बिलियन ईयर्स। तो आपको पता होगा कि जो चांद का एक हिस्सा है जहां पर लाइट पड़ती ही नहीं है, जो हमको हिस्सा दिख रहा है चांद का, वो हमें दिख रहा है कई सालों से, लेकिन चांद का एक एरिया है जहां पर वो लाइट पड़ी ही नहीं है, सनलाइट ही नहीं पड़ी है फ्रॉम द पास्ट 2 बिलियन ईयर्स। चंद्रयान 2 ने वहां पर पानी खोजा है, उस डार्कर साइड पे जाके पानी खोजा है, ठीक है। इस पे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में आप देखिए, एक DNA आर्टिकल इस पे भी यहां पर ये आर्टिकल निकला था और इसने भी यहां लिखा है कि इसरो का जो चंद्रयान 2 है डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस एट परमानेंटली शैडोड रीजंस ऑफ द मून। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं PSR, सॉरी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इट इज रिफर्ड टू एज PSR, परमानेंटली शैडोड रीजन ऑफ द मून। क्या होता है ये परमानेंटली शैडोड रीजन ऑफ द मून, इसको हम लोग जानेंगे और हम लोग बात करेंगे कि यहां पर चंद्रयान 1 मिशन क्या था, ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों मिशन के बारे में। तो बेसिकली इस छोटे से वीडियो में आपको पूरा चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, आपको पूरा लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानकारी शुरू करते हैं। देखो यार, आपको पता होगा कि यहां पर चंद्रयान जब 2 लॉन्च किया गया था तो चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था, 3 चीजें गई थी। चंद्रयान 2, देखिए नाम से पता चल रहा है, चंद्रयान यानी चांद के ऊपर एक यान भेजा गया था। चंद्रयान 1 एक मिशन था, चंद्रयान 2 एक मॉडर्नाइज मिशन था, ज्यादा एडवांस मिशन था चंद्रयान 1 से। चंद्रयान 1 को भी यहां पर मून की स्टडी करने भेजा गया था, चंद्रयान 2 को भेजा गया। चंद्रयान 2 हमने यहां भेजा था मून की स्टडी के लिए, तो उसमें 3 चीजें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वो 3 चीजें यहां पर भेजी गई थी। जरा इनको, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ था, जब चंद्रयान 2 यहां भेजा गया तो उसके साथ भेजा गया था एक लैंडर, ठीक है, एक लैंडर भेजा गया था। लैंडर का नाम था यहां पर विक्रम। लैंडर का नाम क्या रखा गया था, विक्रम रखा गया था, ठीक है। अब लैंडर के साथ साथ यहां पर भेजा गया था, इसको बोलते हैं रोवर, ठीक है, रोवर। और रोवर का नाम यहां रखा गया था प्रज्ञान, प्रज्ञान, ठीक है। और साथ में यहां गया था एक ऑर्बिटर, क्या गया था, ऑर्बिटर। तो यार देखो, ये 3 चीजें जो है वो यहां पर गई थी,
ठीक है, चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया तो ये तीन चीजें भेजी गई। लैंडर क्या होता है कि जब हम यहां पर चांद के ऊपर भेज रहे हैं चंद्रयान 2 को, तो एक चीज होगी जो उस पर चांद की सतह पर लैंड कर जाएगी, उतर जाएगी, ठीक है। उस लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम, ठीक है। तो जो विक्रम साराभाई जो सेंटर है उस उनके नाम पे इसको रखा गया था, ठीक है। अब जब ये लैंडर मान लीजिए चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा, तो उस लैंडर से एक रोवर निकलेगा। रोवर मतलब जो रोव करता है, चलेगा, पहिए लगे होंगे और वो चांद की सतह पे चलता, तो उसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। और एक ऑर्बिटर भेजा गया था जो चांद के चक्कर, जो चांद पे ऐसे चारों तरफ उसके चक्कर काट रहा होगा। ये तीन चीजें भेजी गई थी मून के ऊपर बात करने के लिए, स्टडी करने के लिए कि कैसे हम ज्यादा चीजें जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब यहां पर चंद्रयान 2, मुझे जैसा कि आपको भी याद होगा, जब ये चंद्रयान 2 की लैंडिंग होने वाली थी तो पूरे देश भर की नजरें इस पे लगी हुई थी, क्योंकि ये डार्क साइड पे गया था जहां पर टोटल अंधेरा था, ठीक है। और इसका लैंडिंग होने ही वाला था, कुछ किलोमीटर से पहले की बात है कि इसका डेट मतलब हमारा कनेक्शन जो है इससे टूट जाता है, राइट। जो ट्रैजेक्टरी होती है इसकी, जो ट्रैजेक्टरी हो रही होती है इसकी लैंड करने की, वहां से ये हल्का सा ट्रैजेक्टरी से अपने डेविएट हो जाता है और ट्रैजेक्टरी इसकी मिस हो जाती है, ठीक है। यहां जब ट्रैजेक्टरी मिस हो जाती है तो हम लैंडर को अपने नजरों से खो देते हैं, लैंडर यहां पर पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं हो पाता है, इसके आगे क्या हुआ ये हमको पता नहीं चल पाता है, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटर जो है ये अभी भी यहां पर काम कर रहा है, और ऑर्बिटर जो है वो चांद के चक्कर काटे जा रहा है। इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किए 2 साल हो चुके हैं, 2 years have been completed, और अब इस 2 साल की completion पे यहां पर जो भाई इन दोनों का मतलब खत्म हो गया, लेकिन जो orbiter है इसने जो study करी ऑर्बिट करते करते उससे हमको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है। देखिए हमको काफी इंफॉर्मेशन और मिल जाती अगर वो लैंडर या रोवर वहां चांद तक उतर जाता, है ना। हम क्या हमें पता चलता, एक बार वहां पर लैंड हो जाता तो हमारा लैंडर जब वहां लैंड करने के बाद रोवर निकलता तो और डीप स्टडी पॉसिबल हो सकती थी, बट बिकॉज ऑफ द फेलियर हम इस पे आगे प्रोसीड नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल यहां पर हमारे ऑर्बिटर ने अभी जो कन्फर्मेशन दिया है वो अपने आप में एक ऐसी बात है जो अभी तक किसी ने कन्फर्म नहीं करी थी, और वो है पानी का कन्फर्मेशन। देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूं एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर होता है, तो वाटर में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो वाटर होता है H2O, है ना। इसमें भी आपको हाइड्रोक्सिल आयन्स मिलते हैं, राइट। आपको क्या मिलते हैं, हाइड्रोक्सिल, ये ग्रुप होता है इसके अंदर, ठीक है ना। सिमिलरली आपको क्या मिलेगा भाई, या तो आपको वाटर H2O फॉर्मेट मिलेगा, या फिर आप देखिए OH फॉर्म में भी आपको यहां पर ये मिल सकते हैं, क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, राइट। तो इसमें अगर H2O फॉर्म में मिल रहा है प्रॉपर तो OH उसमें भी है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयंस मिल रहे हैं तो भी OH है। तो अभी तक ये कंफर्मेशन एग्जैक्टली नहीं हो पाया था कि चांद की सतह पे जो हमको OH रेडिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है, रेडिकल्स जो मिल रहे हैं, इनफैक्ट ये रेडिकल्स आप देखिए ये रेडिकल्स कौन से हैं, क्या ये H2O के रेडिकल्स बने हुए, क्या पानी ही वहां पर मौजूद है उसके OH रेडिकल्स है, या फिर OH रेडिकल्स यहां पर इंडिपेंडेंटली ऐसे वहां पर हैं, ठीक है। इसके ऊपर अभी क्लेरिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन हमारे चंद्रयान 2 ने अभी ये चीज कंफर्म कर दिया है कि वहां पर आपको H2O के फॉर्मेट में ही हाइड्रोक्सिल वहां रेडिकल्स मिल रहे हैं। ये ऐसी बात है, ये ऐसा कंफर्मेशन है जो अभी तक किसी और एजेंसी ने नहीं किया है, जैसे कि नासा हो गई, ESA हो गया, इन्होंने अभी तक नहीं किया, जैक्सा हो गया जापान का, उन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा यहां पर डेवलपमेंट हुआ है भारत की तरफ से। ये है चंद्रयान 2 की रीसेंट डिस्कवरी के बारे में, राइट। तो आई होप आपको इतनी बातें यहां क्लियर हो गई होंगी। अब हम इस पे और आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए चंद्रयान 1 में जो चीजें लगी गई थी, जो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे वो इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन चंद्रयान 2 के अंदर बहुत सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे। वो अपनी बैड लक रहा कि लैंडर और रोवर को हम लोग लैंड नहीं करा पाए, बट ऑर्बिटर के अंदर इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट थे कि हम अभी भी जो स्टडी हमारी हुई है मून की वो काफी एडवांस लेवल तक हुई है। सोचिए 603 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था मात्र, ठीक है, इतने में ही यहां पर ये इतना बड़ा काम हो गया, राइट। तो चलिए इसके बारे में यहां पर हम लोग और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इट इज रिटन कि इन अ मेजर अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान 2, वन ऑफ द 8 पेलोड जो है इस चंद्रयान 2 के ऊपर लगे गए थे, ठीक है। कितने पेलोड थे, 8 पेलोड्स थे, 8 पेलोड जो है इस चंद्रयान 2 मिशन पे गए थे, ठीक है। ऑन बोर्ड द ऑर्बिटर, ऑर्बिटर के ऊपर, ऑर्बिटर पे देखिए 8 पेलोड थे, लैंडर और रोवर की बात खत्म हो चुकी है,
तो ऑर्बिटर पे 8 पेलोड लगे थे और इन्होंने कंफर्म किया है क्या, द प्रेजेंस ऑफ वॉटर आइस इन द परमानेंटली शैडोड रीजंस ऑन द मून, यानी जो मून का परमानेंटली शैडोड रीजन है, यानी वो रीजन जहां मून पे कभी लाइट पड़ी ही नहीं है 2 बिलियन ईयर्स तक, वहां पर चंद्रयान 2 ने वॉटर आइस का कंफर्मेशन किया है। तो द लेटेस्ट डिस्कवरी ये जो है ये इसरो के द्वारा की गई थी। इसरो हमारी जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडिया आपको देख सकते हैं, इंडिया इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपनी एक न्यू साइंस डेटा रिलीज किया है, ठीक है, जो 2 साल हो चुके थे इस पर्टिकुलर लूनर मिशन को, इसके ऊपर यहां उन्होंने डेटा रिलीज किया और उस डेटा में ये कंफर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करी जो ऑर्बिटर ने खोजी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो परमानेंटली शैडोड रीजंस है PSR इन दी लूनर पोल्स, देखो लूनर पोल्स चांद के जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल वो एरियाज, ठीक है, वहां पर क्या दिख रहा है, परमानेंटली शैडोड रीजंस इन दी लूनर पोल्स आर रिपोर्टेड टू कंटेन वाटर आइस, वहां पर कहा जा रहा है कि वाटर आइस है, ठीक है, ऑफ वेरियस कंसेंट्रेशन मिक्सड विद दी लूनर रिगोलिथ, इसरो ने बताया। इसरो के ये स्टेटमेंट्स थे, एग्जैक्टली इसरो का एक स्टेटमेंट कोट करके आया है कि जो परमानेंटली शैडोड रीजंस हैं वहां पर ऑफ दी लूनर पोल्स की बात कर रहा है, यानी चांद के जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल एंड दी साउथ पोल वो एरियाज हैं जहां पर आपको क्या है, वहां पर आपको पानी की बात करी जा रही है। देखिए अभी तक क्या था कि जैसे आप समझ सकते हैं कि अभी तक ये था कि पोल्स पे ही पानी मिल सकता है ना, ताकि बार बार पोल्स की स्टडी करी जा रही थी कि वहां पर बर्फ हो सकती है, पोल्स हैं वो चूंकि, है ना, लेकिन अभी साथ में कंफर्मेशन ये भी है कि किसी भी लैटिट्यूड पे पानी की अवेलेबिलिटी है चांद के ऊपर, ठीक है, ये बात भी यहाँ कंफर्म हुई है कि किसी भी लैटिट्यूड पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पोल्स पे मिल जाएगा, अगर आप चांद की बात करेंगे तो चांद के किसी भी लैटिट्यूड पे आपको, किसी भी लैटिट्यूड पे आपको पोल्स की, आपको वाटर की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, ये भी यहाँ पर बात हुई है। तो द डिस्कवरी कन्फर्म्स द अर्लियर रडार बेस्ड स्टडीज ऑफ द लूनर पोलर रीजंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस। तो ये डिस्कवरी ने काफी कुछ यहां पर कंफर्म कर दिया है कि वाटर आइस मौजूद है, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन की बात मैं कर रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन एज यू नो आप देख सकते हैं कि इट वॉज कंडक्टेड बाय, एक नाम है इसको बोलते हैं ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपार्चर रडार, ठीक है, तो ये रडार है, इसके थ्रू ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन किया गया। एक रडार है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपार्चर रडार, ठीक है, DFSAR। तो इसने ये एक हमारा एक पेलोड था, 1 of the 8 इंस्ट्रूमेंट्स थे जो उस चंद्रयान ऑर्बिटर पे लगाए गए थे, ठीक है, चंद्रयान के जो ऑर्बिटर उस पे लगाए गए थे, और ये कैपेबल है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है कैपेबल है ऑफ पियरिंग इनसाइड द लूनर सरफेस, लूनर सरफेस के अंदर क्या है उसको भी यहां पर ये देख सकता था, अप टू अ फ्यू मीटर्स डेप्थ, कुछ डेप्थ तक, चांद की सतह के डेप्थ तक भी यहां पर ये देख सकता था, इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट यहां पर लगाया गया था, ठीक है। तो व्हाट इज दिस परमानेंटली शैडोड रीजन ऑफ द मून, इस पे भी हम लोग बात करते हैं, जरा देखिएगा, आई होप आपको ये थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हो जाए, अगेन आई एम यूजिंग दिस टैक्टिक्स, होपफुली आपको ये अब दिख रहा होगा, ठीक है, जरा इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि ये परमानेंटली शैडोड रीजन क्या है, क्या है, देखिए, द परमानेंटली शैडोड रीजन ऑफ द मून आर lurking in the craters of the lunar south pole that do not receive any sunlight throughout the year. तो permanently shadowed region जो है वो क्या बता रहा है, कहां पर है, वो lunar south pole पे मिलेगा, यानी चांद के south pole पे, जहां पर आपको बिल्कुल भी क्या receive नहीं होती है sunlight throughout the year, पूरे साल भर, ये वो एरियाज हैं जहां पर एक सिंगल रे भी आपको नहीं मिलेगी सूरज की पिछले 2 बिलियन ईयर्स से, ठीक है, नासा के हिसाब से ये डार्क अपीयर क्यों होते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, दे अपीयर डार्क बिकॉज अनलाइक ऑन दी अर्थ के हिसाब से, अर्थ की अगर अनलाइक अर्थ पे जैसा होता है वैसा नहीं, द एक्सेस ऑफ द मून इज नियरली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द सन लाइट, इस वजह से भाई देखो अर्थ की जो एक्सेस है वो तो देखो ऐसी है, तिरछी है कि नहीं,
अर्थ की एक्सेस आपको तिरछी मिलेगी, ठीक है ना। तो पोल्स पे देयर इज सम सनलाइट, छह महीने के लिए सूरज निकलता है, इट्स द एंटायर फर्स्ट सिक्स मंथ्स वहां धूप रहती है, और जब नॉर्थ पोल में छह महीना धूप रहेगी तो साउथ पोल में छह महीना सूरज निकलता ही नहीं है। और जब ये अर्थ ऐसे रोटेट करके इधर आ जाती है, घूम के ऐसे इधर आ जाएगी, तो अब अगर मैं सन हूं तो देखो सन के पास अगर ये एक्सेस थी, मान लीजिए ये एक्सेस है फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल जो चीज है, देखिए अगर मान लीजिए मैं सन हूं, ठीक है, मैं सन हूं और ये मेरे हाथ में है पेन जो आप देख सकते हैं, ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, अर्थ की एक्सिस दिख रही है आपको। देखिए मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अगर इधर है ये चीज, ठीक है, तो देखिए सन की रेज जो है नॉर्थ पोल के ऊपर पड़ रही है, लेकिन साउथ पोल जो है वो मुझसे दूर है कि नहीं। तो साउथ पोल इस सिनेरियो में अर्थ की बात हो रही है तो वो अंधेरे में रहेगा, लेकिन जब ये अर्थ ऐसे घूम के, ये अर्थ ऐसे घूमेगी पीछे जाएगी और फिर घूम के जब इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, अब साउथ पोल देखो सन की तरफ आ गया है और नॉर्थ पोल मुझसे दूर है, तो नॉर्थ पोल पे अब अंधेरा होगा और साउथ पोल पे क्या होगा, उजाला हो जाएगा। तो बिकॉज हमारी अर्थ की एक्सेस इस तरह से है, टिल्टेड है, तो यहां पर छह महीने सूरज निकलता है, छह महीने रात होती है, ठीक है। बट अगर हम मून की बात करें, वो यहीं पर यह समझाना चाह रहा है, यही वो कह रहा है मून के लिए, आप इसको फिर पढ़िए, क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नासा दे अपीयर डार्क, मून के पोल्स डार्क हो जाते हैं एकदम, क्यों, द एक्सिस ऑफ द मून, जो मून की एक्सिस है ना, ये एक्सिस मून की इज नियरली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द सन लाइट, सन की लाइट की, सन की लाइट मान लीजिए मैं सन हूं तो उसकी जो एक्सिस है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, तो देखिए एकदम मेरी रेज अगर मैं सन हूं तो रेज एकदम परपेंडिकुलर जाएंगी इसके, इस वजह से बाकी एरियाज में द रिजल्ट इज क्या होता है, बॉटम्स ऑफ द सर्टन क्रेटर्स, कुछ क्रेटर्स के बॉटम वाले एरिया आर नेवर पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन, कभी भी वो सन की तरफ पॉइंट नहीं करते हैं और इसलिए वहां पर टोटल डार्कनेस बना रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये परमानेंटली शैडोड रीजन क्या होते हैं, ठीक है ना, सिंपल क्लियर हो गया। अब देखिए जो इनिशियल डेटा एनालिसिस हुआ है, ये किससे हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, IIRS, ये उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे ये इनिशियल डेटा मिला, इसको हम लोग फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, IIRS। इसने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया है प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ वाइड स्प्रेड लूनर हाइड्रेशन एंड unambiguous detection of water on the moon, एकदम क्लियर हो गया है कि हाँ चांद पे पानी है in the form of H2O, right? तो सिर्फ OH radicals नहीं है, पानी भी वहां पर मौजूद। तो इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जो IIRS है, ये वन ऑफ दी वो पेलोड्स है जो चंद्रयान 2 पे यहां पर ये भी लोड किया गया था, ये भी गया था, ठीक है, ये कहां पर ऐसे जगह लोकेटेड है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटर पे कि ये 100 किलोमीटर का जो पोलर ऑर्बिट है मून का उसको स्टडी आराम से कर सकता है। इट इज प्लेस्ड इन अ 100 किलोमीटर पोलर ऑर्बिट टू एक्वायर ग्लोबल साइंटिफिक डेटा, इस तरह से उसको पोजिशन किया गया है कि ये इतना एरिया आराम से स्टडी कर सकता है और उस पर साइंटिफिक ले सकता है, ठीक है। आई होप ये इंटरेस्टिंग हो रहा होगा। तो चंद्रयान 2 बेसिकली देखिए ये एक इंडियन मिशन है, कुछ बेसिक्स इसके हैं वो जान लीजिए, ये एक इंडियन मिशन है जिसने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक रोवर को यहां पर मून पे भेजा था। लैंडर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि लैंडर क्रैश हो गया था, ये देख सकते हैं आप, लैंडर क्रैश कर गया था इन द मून्स सदर्न हेमिस्फीयर, मून के सदर्न हेमिस्फीयर में थे वहीं पर ये क्रैश कर गया था 2019 में ही। जो ऑर्बिटर है वो अभी भी यहां पर मैपिंग करे जा रहा है, मून की टोपोग्राफी करे जा रहा है, मैपिंग द मून टोपोग्राफी। तो देखो इससे क्या होगा, मून की टोपोग्राफी मतलब क्या होगा, मून की जमीन को क्या कर रहा है, वो मून की जमीन को यहां पर स्टडी देख रहा है, मतलब मार्क कर रहा है कहां पर क्रेटर है, कहां पर गड्ढा है, कहां पर ऊंचाई है। तो उससे क्या होगा, जब हम इस तरह की स्टडी कर लेंगे तो हमें फ्यूचर लैंडिंग्स के लिए आसानी हो सकेगी, हमें कहां लैंड कराना है, कहां लैंड नहीं कराना है, कहां क्रेटर हो जाएगा हमारे लिए, कहां पर ये मिशन फेल हो सकता है। तो इस तरह की जब टोपोग्राफी हम कर लेंगे, हमको पता चलेगा अच्छा चांद पे ये चीज यहां पर लोकेटेड है, तो हम उस जगह पर चीजें अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी। तो वही कह रहा है कि द ऑर्बिटर इज मैपिंग द मून्स टोपोग्राफी, इन्वेस्टिगेट्स सरफेस मिनरल, सरफेस में जो मिनरल्स मिल सकते हैं, जो एलिमेंट्स मिल सकते हैं, वो उनकी स्टडी करेगा, ठीक है। और आप देखिए साथ में स्टडीज द लूनर एक्सोस्फीयर,
चांद का जो एक्सोस्फियर है उसको स्टडी करेगा और लुक्स फॉर सिग्नेचर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड वाटर आइस, इनके सिग्नेचर्स इनकी यहां पर क्या करेगा, खोज करेगा, इनकी छाप देखेगा, क्या ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। यही स्टडी यहां पर इसको करनी थी, बाकी इंफॉर्मेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये बेसिक्स है कि इस वजह से चंद्रयान 2 यहां पर गया था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसने कंफर्मेशन अब कर दिया है कि H2O हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स वहां पर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज चंद्रयान 2, नाउ इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, चंद्रयान 2 इज एन इंडियन मिशन, ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, ठीक है। 3 व्हीकल्स गए थे इसमें, ये भी मैं आपको बता दिया, जुलाई 2019 में, इट्स जस्ट अ रिपीटिशन, ठीक है। एक लूनर ऑर्बिट टू लूनर ऑर्बिट में गए थे, एक लैंडर था जिसके पास एक रोवर था और अटेम्प्ट किया गया था लेकिन वो फेल हो गया, कहां पर, मून की सदर्न सरफेस पे। देखिए मैंने अलग अलग जगह से ये कंटेंट लिया है, ये आपको जो प्लैनेटरी सोसाइटी की जो यहां पर वेबसाइट है वहीं से निकाला है, सो आप देखिए ये कंटेंट कितना अच्छा है, मैं आपको इसलिए दे दिया ताकि आप जब कई, देखो मैंने कई सोर्स से निकाला है, मैंने इसको इस तरह की वेबसाइट से निकाला है, मैंने न्यूज़पेपर से लिया है, मैंने इसको प्लैनेटरी सोसाइटी की वेबसाइट से लिया है, तो आपको हर जगह कंटेंट मिल जाएगा, तो इट विल अ रिफाइंड कंटेंट फॉर यू, है ना। एग्जैक्टली क्या चीजें हुई है वो आप जब 2-3 सोर्स पढ़ लेंगे तो आपको चंद्रयान 2 की अचीवमेंट एकदम फिट हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। तो ऑर्बिटर कंटिन्यूज टू स्टडी द मून फ्रॉम अबव, अभी जो ऑर्बिटर है वो जैसे मैंने बताया वो मून की स्टडी का लगातार करता चला जा रहा है, ठीक है। तो मिशन जो है ये बिल्ड करता है ऑन इसरो चंद्रयान 1 ऑर्बिटर। अब देखिए यहां पर हम चंद्रयान 1 की बात बताते हैं थोड़ी सी, तो मिशन है बिल्ड ऑन इसरो का जो चंद्रयान 1 ऑर्बिटर था, ये लॉन्च किया गया था 2008 अक्टूबर में और ये ऑपरेट किया था फॉर 10 मंथ्स, 10 महीने ये काम किया था। चंद्रयान 2 जो है ये मैंने बताया आपको कि ये एक इंप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, इसमें कई सारी न्यू टेक्नोलॉजीज लगी हैं, ठीक है, जो हमारे फ्यूचर प्लैनेटरी जो हमारे यहाँ पर मिशंस एंड प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं उसको बहुत आसानी से हो सके, उसके लिए यहाँ पर चांद की स्टडी भी करी जा रही है, राइट। तो द ऑर्बिटर जो इज प्लान्ड टू ऑपरेट फॉर 1 ईयर, प्रीवियसली रिपोर्टेड एज 2 ईयर्स, पहले अब ये ऑर्बिटर है ये यहाँ पर ऑपरेट करेगा फॉर 1 ईयर, जैसे पहले इसका था कि ये 2 साल ऑर्बिट प्लान करेगा। वाइल द लैंडर एंड द रोवर वेर एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव 1 लूनर डे टाइम पीरियड, मतलब इनका एक्सपेक्टेशन था कि इतना सर्वाइव करेंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मतलब इट वॉज अ बैड लक कि लैंडर और रोवर तो वहां पर पहुंच ही नहीं पाए, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो बेसिक्स आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब चंद्रयान 2 मिशन के ऑब्जेक्टिव, अगेन ऑब्जेक्टिव इज नाउ वेरी क्लियर, व्हाट आई वाज ऑलवेज टेलिंग यू, ठीक है, क्या है ऑब्जेक्टिव, बार बार देखिए बता रहा हूं, बार बार आपसे क्यों बता रहा हूं, बार बार आप यही याद करके जाओ, बार बार आपको ना खोलना पड़े वीडियो, एक ही बार में मेक दी नोट्स, वही जो बोले जा रहा हूं एक चीज में बार बार घुमा घुमा के बोल रहा हूं, एक नोट बना लो, ये ऑब्जेक्टिव ये है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मून की टोपोग्राफी करना, हाइड्रोक्सिल आयंस है कि रेडिकल्स है कि नहीं उसको देखना, यही चीज है। तो साइंस गोल्स इंक्लूड मैपिंग द मून्स टोपोग्राफी, इन्वेस्टिगेटिंग सरफेस मिनरोलॉजी, ठीक है, सरफेस का मिनरल्स एलिमेंट्स, वही चीजें लिखी हुई है सेम, ठीक है ना। लैंडर वॉज नेम्ड विक्रम, बता दिया मैंने, किस पे नेम किया गया था, आफ्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, जो फाउंडर है यहां पर इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, उनके नाम पे किया गया, ठीक है। इट वुड हैव लैंडेड नियर मून साउथ पोल, एक्सपेक्टेशन कहां था, कहां लैंड करना था उसको, मून साउथ पोल, तो आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि इट वॉज एक्सपेक्टेड टू लैंड एट नॉर्थ पोल, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो भेजा गया था दैट वाज ऑन द साउथ पोल, लैंड ऑन द मून साउथ पोल एट एन लैटिट्यूड ऑफ 70 डिग्री साउथ, इस डिग्री 70 डिग्री साउथ पे हम लोग उसको लैंड करा रहे थे। मतलब सीधी बात है कि अगर आपका ये यहां पर मून है, ये आपका जैसे मान लीजिए इक्वेटर हो गया, तो आप यहां कहीं 70 डिग्री साउथ आप जाके, ये आप और नीचे, इनफैक्ट ये 90 यहां पर हो गया, तो और नीचे यहां कहीं जाके इसको हम लैंड करवा रहे थे, ये चीज यहां पर है, ठीक है ना। मिशन 603 करोड़ रुपए, सिर्फ 603 करोड़ रुपए, क्या बात है, इतना सस्ता मिशन यहां पर भेजा गया था, समझ में आ रहा है। तो बेसिक चीजें हैं जो आई होप आपको यहां पर क्लैरिटी से समझ में आ रही होंगी। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस चंद्रयान 2 के अंदर वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, ठीक है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही थी। देखिए एक तो यहां पर लगाया गया है क्या, जिसको बोला जा रहा है टेरेन मैपिंग कैमरा, एक कैमरा लगाया गया है जो टेरेन को मैप करेगा, सीधी बात है, और वो टेरेन मैपिंग कैमरा 2 है, ठीक है ना, ये 3D मैप क्रिएट कर रहा है। इसका पर्पस क्या है कि ये 3D मैप क्रिएट करता है लूनर के सरफेस की, यानी चांद की सतह की, ये 3D इमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, TMC-2 क्या है, ये एक छोटा सा वर्जन है, ये मिनिएचर वर्जन है किसका, TMC जो चंद्रयान 1 में लगाया गया था। सो इट इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ टेरेन मैपिंग कैमरा व्हिच वाज यूज्ड इन चंद्रयान 1 मिशन, ठीक है ना।
अब देखिए इसके अलावा यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, इसको बोलते हैं क्लास इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? क्लास नाम रखा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसका लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अभी मत कहना सर यहां सी से क्या है, मैच नहीं हो रहा है। देखो ऐसे ही लिखा जाता है, क्लास इसको बोला गया है लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो एल ए एस एस तो मैच कर रहा है ना, तो सी को मतलब एक तरह से नाम रख दिया है क्लास, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि क्लास क्या है जो रिसेंटली न्यूज में रहा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास क्या है। ये एक मून एक्सरे फ्लोरेसेंस है, स्पेक्ट्रा है। ये क्या करेगा? ये बेसिकली यहां पर ढूंढेगा, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि जो मेजर एलिमेंट्स है उनको ढूंढा जाए। क्या इसका काम था? इसका काम था कि जो मेजर एलिमेंट्स हैं, क्या मून पे प्रेजेंट है मेजर एलिमेंट्स, उसको यहां पर देखा जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेजर एलिमेंट बताऊं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये मेजर एलिमेंट्स ये है कि नहीं मून के ऊपर? ऐसे और कई सारे एलिमेंट्स थे, उनको खोजने गया मेजर एलिमेंट्स है कि नहीं। लेकिन क्या हुआ कि मेजर एलिमेंट्स तो नहीं मिले, लेकिन इस क्लास इंस्ट्रूमेंट ने माइनर एलिमेंट जरूर ढूंढ दिए। माइनर एलिमेंट्स, जैसे कि माइनर एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा आपका, जैसे कि आ जाता है मैग्नीशियम, ये आपका मैंगनीज। देखिए ध्यान रखिएगा, मैंगनीज जो है वो आपके माइनर एलिमेंट्स में आता है और मेजर एलिमेंट्स में आ गया मैग्नीशियम। तो यहां पर वो खोजने गया था, क्लास का काम ये था कि मेजर एलिमेंट्स को ढूंढा जाए, लेकिन मेजर एलिमेंट्स ना मिले, माइनर एलिमेंट जरूर उसको मिल गया, मैग्नीशियम जैसी चीजें जरूर मिल गई, ठीक है ना। तो क्लास मेजर्स द मून एक्सरेज फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा टू एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके मेजर एलिमेंट्स रॉक फॉर्मिंग, जैसे कि देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन, सोडियम, ये सब क्या है? ये आपके मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब जरा समझिए, ये तो मिला नहीं, लेकिन क्या बताया मैंने, माइनर एलिमेंट्स लाइक मैंगनीज, ये सब चीजें यहां पर मिली हैं। तो एक्सरे XRF ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक है मून्स एक्सरे फ्लोरेसेंस, एक्सरे कर सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा? विल डिटेक्ट दीज एलिमेंट्स बाय मेजरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज दे एमिट व्हेन एक्साइटेड बाय द सन रेज। तो यही बता रहा है कि देखिए क्लास जो है वो क्या करेगा, ये इन मेजर एलिमेंट्स को ढूंढेगा। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेजर एलिमेंट्स तो अभी नहीं मिला, लेकिन माइनर जरूर मिल गए। तो ये सोलर एक्सरे मॉनिटर जो हम देख रहे हैं XSM, अब ये क्या करेगा? सपोर्ट्स क्लास। ये जो है सोलर एक्सरे मॉनिटर जिसको बोल रहे हैं XSM, ये क्या करेगा? ये सपोर्ट करेगा किसको? क्लास को सपोर्ट करेगा बाय ऑब्जर्विंग द एक्सरेज एमिटेड बाय द सन एंड इट्स कोरोना। जो सन कोरोना वो वाला कोरोना नहीं जो फैला हुआ है, सन का भी कोरोना होता है, राइट। तो वो जो सन के द्वारा जो रेज एमिट हो रही है एक्सरेज, उसको वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना, उसको ऑब्जर्व करेगा। और यहां से क्या मिलेगा? मेजर करेगा इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इन दोज रेज, उन रेज में क्या सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी, उनको भी यहां पर ये स्टडी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें यहां पर ये पर्टिकुलर मिशन के साथ हो रही थी। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। सिंपल क्वेश्चन है, हो गया होगा। देखिए, इट एम्स टू डिटेक्ट मरकरी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। क्या वो सर्फेस ऑफ द मून पे मरकरी को डिटेक्ट कर रहा था? देखिए ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आप कहेंगे मरकरी को डिटेक्ट करने गया था चंद्रयान 2, क्या मरकरी ढूंढने गया था? देखिए नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव ही अलग है। आपको ये नहीं कहना है कि हाँ मिल जाए उससे अलग बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, उसका एम क्या है? एम तो उसका ये नहीं है, उसकी एम क्या है? मैंने आपको एम्स के बारे में बताया, उसका आप एम पढ़िए यहां पर, ठीक है। ये है इसका एम, चंद्रयान 2, ग्लोज इंक्लूड मैपिंग द मून टोपोग्राफी, इन्वेस्टिगेटिंग सरफेस मिनरोलॉजी एंड एलिमेंट्स अबंडेंस, कितने एलिमेंट्स अबंडेंस में हैं, ठीक है, लूनर एक्सोस्फेयर को स्टडी करना और हाइड्रोऑक्सेल एंड वाटर आइस, इसके सिग्नेचर्स को लुक करना कि ऐसा है कि नहीं, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो थोड़ा माइन्यूट चीज है, इसलिए स्टेटमेंट गलत कर देंगे हम लोग। लैंडर वॉज द नेम एज प्रज्ञान इन दी, लैंडर का नाम प्रज्ञान रखा गया था? नहीं, लैंडर का नाम क्या रखा गया था? विक्रम रखा गया था। तो इसका स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या हो गया? गलत हो गया। लैंडर का नाम क्या रखा गया? विक्रम रखा गया था। किसका? रोवर का नाम रखा गया था? प्रज्ञान, ठीक है ना। तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब हम बात करेंगे यहां पर टोक्यो ओलंपिक्स की। देखिए चलिए यहां शुरू करते हैं। मैंने इसको सिंपली ऐसे कनेक्ट कर दी लिखा है कि आपके सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे और आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद ही करना है, ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करना है। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग क्या क्या हुआ है वो हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए ओलंपिक्स के बारे में बात करें तो ये एक क्या है, दिस इज सिंपली एन इंटरनेशनल इवेंट। आपको पता ही है एक इंटरनेशनल इवेंट है। इट अकर्स फोर ईयर्स, चार साल में होता है। एवरी फोर ईयर्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। ओलंपिक्स हर चार साल में होता है। वंस, एक बार वो समर ओलंपिक्स होते हैं, एक बार विंटर ओलंपिक्स होते हैं। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चार साल में एक बार होगा और एक बार वो समर ओलंपिक्स होगा, एक बार विंटर ओलंपिक्स होगा। फर्स्ट जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे वो एथेंस में हुए थे, ग्रीस में हुए थे। यहां से शुरुआत होती है 1896 में। और इसका सिंबल क्या है, ओलंपिक रिंग्स। इसका सिंबल आप जानते ही हैं, फाइव जो रिंग्स हैं इस तरह की जो इंटरलॉक रहती हैं आपस में, वो उसकी क्या है, ये इसके इसका एक तरह सिंबल है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से कलर में है। कलर याद रखिएगा, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किस रंग की जो है रिंग ओलंपिक्स के उसमें जो सिंबल्स में नहीं होती है। तो हो सकता है आपको इसके अलावा कलर दे दे, एक कोई कलर दे दे, राइट। तो आपको व्हाइट दे देगा, हो सकता है। तो व्हाइट देखिए इसमें कहीं नहीं है। इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां फाइव रिंग्स होती हैं जो बेसिकली फाइव कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं विद द ओलंपिज्म। पांच कॉन्टिनेंट्स को यहां पर ये रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है ना, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको बस याद होनी चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये वो कमेटी है जो बेसिकली 1894 में कमेटी बनी थी। और जो सुप्रीम अथॉरिटी है इसकी, वो मतलब अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, मतलब सारा ओलंपिक जो मूवमेंट होता है, ओलंपिक की जो भी यहां पर चीजें होती हैं, वो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यहां करवाती है। इसके अलावा आप देखिए ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब किसी सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो बेस्ड है कहां पर, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में लुसान। यहां पर ये स्विट्जरलैंड यहां पर है, यहां पर ये पर्टिकुलर बॉडी जो है वो लोकेटेड है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग दी समर एंड दी विंटर ओलंपिक्स। यही दोनों इसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अब यहां क्या हुआ था आपको पता होगा, 1940 में, 1896 में शुरू होते हैं ओलंपिक्स। ठीक है, 1940 में क्या हुआ, 1940 में जापान में ओलंपिक्स होना था, ठीक है, फर्स्ट, लेकिन ये एक बार मिस हो गया था, इसलिए उसको यहां पर मिसिंग ओलंपिक्स कहते हैं। देखिए इन 1940 जापान जो था वो was about to become first Asian country, पहला Asian country होने वाला था to host the Olympics, जो Olympics को host करता, लेकिन it got cancelled। क्यों cancel हो गया, क्योंकि 1940 में military aggression जो है वो एशिया में बहुत बढ़ गया था। आपको पता है 1940 का time है जब यहाँ पर 1940s में, देखिए जब यहाँ पर military aggression मतलब World War II के हम लोग काफ़ी close हैं और World War II की वजह से यहाँ पर काफ़ी military aggression होता है and hence you will see कि ये जो Olympics हैं कैंसिल हो जाते हैं जापान में और इसीलिए उसको मिसिंग ओलंपिक्स कहते हैं। तो आप सब पूछ सकते हैं किस ओलंपिक्स को, कौन सा ओलंपिक जहां होने वाला था उसको मिसिंग ओलंपिक्स कहते हैं, दैट इज जापान ओलंपिक्स। ठीक है, तो 1940 का जो ओलंपिक्स है आल्सो कॉल्ड एज मिसिंग ओलंपिक्स, इन लेटर गॉट कैंसिल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उसको कैंसिल कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है ना, अब देखिए हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स की। 5-10 मिनट की बात और है, इसको सुन लीजिए। ओरिजिनल जो स्केड्यूल था 2020 का था, देखिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के थे, ठीक है, लेकिन ये कब हुए हैं, ये हुए हैं जाके 2021 में। ध्यान रखिएगा 2020 के थे और ये हुए कब है, 2021 में हुए। तो कभी आपसे ये मत धोखे से जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के, नहीं नहीं, ऐसा क्यों किया गया। देखिए अगर आप यहां पर टोक्यो ओलंपिक्स 2021 लिख देते तो जो साइकिल है चार सालों की वो यहां पर खराब हो जाती, इस वजह से साइकिल ना टूटे इसलिए उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही नाम रखा, हालांकि वो 2021 में हुए हैं आके, ठीक है, पर नाम 2020 ही चलता रहा इसका। तो जो ओरिजिनल शेड्यूल था वो क्या था कि 24 जुलाई से शुरू होंगे, 24 जुलाई से स्टार्ट होने थे और 9 अगस्त तक ये चलने थे, ठीक है, लेकिन इसको रीशेड्यूल किया गया, कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा था उसके वजह से रीशेड्यूल किया गया। और फिर उसके बाद देखिए ये 23rd, मतलब ये इसका रीशेड्यूल्ड हुए तो जो ओपनिंग सेरेमनी थी वाज ऑन 23rd जुलाई को उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, क्लोजिंग सेरेमनी इसकी 8 अगस्त तक थी, लेकिन यहां पर देखिए इसको क्या किया गया, मैंने आपको बताया ना, ठीक है, तो लास्ट ओलंपिक जो हुए थे वो कहां हुए थे, वो रियो डी जनारियो में हुए थे 2016 ब्राजील में,
तो ये याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक से पहले कहां ओलंपिक्स हुए थे, 2016 के ओलंपिक्स ब्राजील में हुए थे, रियो डे जेनेरियो में, ठीक है। टोक्यो ये कैपिटल है और जापान का मतलब जापानी कैपिटल है, ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी ये कब हुआ, ये 23 जुलाई को यहां पर 2021 में यहां पर होती है, ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो में, ठीक है। फॉर्मली इसको यहां पर ओपन किया था एम्परर नारुहितो, ये एम्परर उन्होंने इसकी यहां पर की थी फॉर्मली, फॉर्मल ओपनिंग इसकी करी थी। थीम क्या था इसका, थीम था इसका मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाय इमोशन, मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाय इमोशन, ये इसकी यहाँ पर थीम थी। और इंडिया के आप देखेंगे तो इंडिया का जब सेरेमनी शुरू हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी, तो इंडिया की मार्चिंग वॉज ऑन दी किस नंबर पे, इंडिया वॉज ऑन दी 21st नंबर। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स हर बार तो होते नहीं है, चार साल में एक बार हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं। कौन फ्लैग बियरर था इंडिया की तरफ से, देखिए बॉक्सर मैरी कॉम ये भारत का झंडा लिए थी, फ्लैग बियरर थी, और जो मेन हॉकी कैप्टन थे मनप्रीत सिंह वो यहां पर क्या थे, वो फ्लैग बियरर थे, यानी जब सेरेमनी होती है तो झंडा वो लोग यहां पर पकड़े हुए थे, ठीक है ना। अब इंडिया की बात करें टोक्यो ओलंपिक्स में, तो आपको पता है यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जो नाम कमाया उसकी चर्चा यहाँ पर कौन नहीं करेगा, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड यहाँ पर कमाया था, ठीक है। तो ही विंस दी गोल्ड मेडल इन दी जावलिन थ्रो, 7 अगस्त को उन्होंने यहाँ पर ये कारनामा करके दिखाया था, 7 अगस्त को ही विंस दी गोल्ड मेडल, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसी वजह से यहां पर क्या डिसाइड किया गया था, यहां पर डिसाइड किया गया जो इंडिया की एथलेटिक्स फेडरेशन है, भारत की जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे की रूप से मनाएंगे, हम उसको क्या करेंगे, वी विल सेलिब्रेट डेडिकेट दिस एज दी जैवलिन थ्रो डे, ठीक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू नेम 7th अगस्त एज जैवलिन थ्रो डे इन दी ऑनर ऑफ नीरज चोपड़ा। तो अब ये यहां पर सेकंड इंडिविजुअल हो चुके हैं जिन्होंने किसी ओलंपिक में यहां पर गोल्ड यहां पर अर्न किया है, अभिनव बिंद्रा इससे पहले भारत के पहले रह चुके हैं जिन्होंने यहां पर ये गोल्ड मेडल बनाया लिया था, ठीक है। तो ये नीरज चोपड़ा है, ये खंडारा विलेज को बिलोंग करते हैं, पानीपत से हैं हरियाणा में, ठीक है। और ये अभी आप फिलहाल देखेंगे ही सर्विंग एज सूबेदार इन राजपूताना राइफल्स, राजपूताना राइफल्स यूनिट में वो ऑलरेडी एक सूबेदार की तरह वहां पर सर्व कर रहे हैं, और उनको अर्जुना अवार्ड भी मिले हैं 2018 में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर नीरज चोपड़ा के बारे में, ठीक है। अब देखिए मीराबाई चानू की बात करें, इनके बारे में आपने सुना होगा, वुमेन की 49 kg की कैटेगरी में, वुमेन 49 kg कैटेगरी वेटलिफ्टिंग में उनको सिल्वर मेडल मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये इंडिया का फर्स्ट सिल्वर मेडल था एट दी ओलंपिक्स, भारत का पहला सिल्वर मेडल जो है वो मीराबाई चानू को मिला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से आप देखिए मेन की 57 kg रेसलिंग में यहां पर जो रवि दहिया थे उनको भी सिल्वर मेडल मिला था, आप दोनों की फोटो भी यहां पर दे सकते हैं, रवि दहिया एंड मीराबाई चानू, ये इन लोगों को यहां पर सिल्वर मेडल मिला था, वेट इनको मिला था, देखिए वेटलिफ्टिंग में कैटेगरी याद रखिएगा, शी वन इट इन दी वेटलिफ्टिंग कैटेगरी, और इनको यहां पर रेसलिंग में मिला था, ठीक है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है 57 kg 49 kg, ये याद करने की जरूरत नहीं है, किस स्पोर्ट्स इवेंट को बिलोंग करते हैं वो जरूर याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए भारत की जो हॉकी टीम थी गजब का इस बार खेली है भारत की टीम, और उन्होंने यहां पर क्या किया है, उन्होंने यहां पर उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 41 साल बाद ऐसा कारनामा हुआ जब भारत की हॉकी टीम आप देख सकते हैं 41 ईयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई, ठीक है ना। अब साथ में यहां पर और किसको ब्रॉन्ज मिला, एक बॉक्सर है जिनका नाम है लोविलिना बोरगेन, ठीक है, बोरगेन ये है आप देख सकते हैं, तो इनको यहां पर ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसके अलावा बजरंग पूनिया है, उन्होंने मेन्स फ्री स्टाइल 65 kg, बजरंग पूनिया का फोटो आप देख सकते हैं, उनको रेसलिंग में यहां पर ये ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है। और पीवी सिंधु को भी यहां पर ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, पीवी सिंधु का नाम आपने सुना होगा, बैडमिंटन ये खेलती हैं भारत के लिए, तो इनको भी यहां पर ये ब्रॉन्ज मेडल मिले। तो ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये ब्रॉन्ज मेडल कैटेगरी के चार यहां पर मिले हुए थे, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लेम ऑफ होप, ये क्या है, व्हाट इज दिस फ्लेम ऑफ होप। देखिए फ्लेम ऑफ होप एक सिंबल है ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स गेम का, स्पेशल ओलंपिक गेम, जब भी आपका ये ओलंपिक्स खत्म होता है तो फ्लेम ऑफ होप क्या किया जाता है, इसे आप देख सकते हैं, इज लिट, यहां देखिए लिखा है स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड रिले, तो ये एक रिले ऐसा होता है मशाल टाइप की, इसको लेके जैसे भागते हैं ना वो मशाल टाइप की होती है, तो ये फ्लेम ऑफ होप जो है इज लिट, ये जलाई जाती है ट्रेडिशनल सेरेमनी में एथेंस में, ग्रीस में ये जलाई जाती थी रे ऑफ होप, ठीक है, फ्लेम ऑफ होप। तो आफ्टर लाइटिंग जब इसको जला दिया जाता है इसको, इस मशाल को, इट इज रिलेड ऑन फुट, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजिंग सिटी, जिस ऑर्गेनाइजिंग सिटी में होता है वहां पर उसकी तरफ भागते ले जाए, उसको रिले करते हैं, भागते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कंप्राइजिंग ऑफ
मोस्टली पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन अलॉन्ग विद दी स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स. जो स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स होते हैं उनके साथ यहाँ पर पुलिस मैन ये सब पुलिस वुमेन ये लोग लेके उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती हैं वो उसको लेके रिले करती हैं. एक कॉन्सेप्ट है ये फ्लेम ऑफ होप का जो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है. अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक्स की. पैरा ओलंपिक्स भी यहाँ पर हुए थे. भारत का तो गजब का परफॉर्मेंस रहा है इसमें टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स. और पैरा ओलंपिक्स मतलब वो डिसेबल्ड लोगों के लिए ओलंपिक्स, ठीक है. तो गजब का ऐसा परफॉर्मेंस भारत ने किया. इंडिया के मेडल टैली में आप देखिए, इंडिया मेडल टैली एट पैरा ओलंपिक्स 2020 की बात करें, 19 हमने मेडल्स यहाँ पर जीते. सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अभी तक का ये पैरा ओलंपिक्स में रहा. टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स भी हुए, ठीक है ना, 2020 का है, याद रखिएगा ये चीज, 21 का मत कर दीजिएगा. 5 गोल्ड हमने जीते थे इस, हम आपको अगर 19 का बाइफर्केशन बताऊं, 5 हमने इसमें से गोल्ड जीते थे, 5 जी था हमारे पास, ठीक है, 8 हमारे पास 8 एस था, और इसके अलावा आप देखेंगे 6 बचा, कितना, 8, 5, 13 और 6 हमारे पास यहां पर ब्रॉन्ज मेडल्स थे. तो ये हमारा यहां पर एक क्लासिक, आपको याद हो सकता है कि 5G आपका टेक्नोलॉजी चल रहा है, 5G याद कर लीजिएगा, 8S हो गया, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज यहां पर मिले थे. तो 19 मेडल्स जो है ये क्लेम किए गए थे हमारे पैरा एथलीट्स के द्वारा अक्रॉस 5 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन. 5 डिसिप्लिन में हमने ये 19 मेडल्स यहां पर कमाए थे, ठीक है. क्या क्या, जैसे शूटिंग में मिला था हमको जैवलिन में मिला था, जैवलिन थ्रो, बैडमिंटन में हमको मिला था, एथलेटिक्स में मिला था और आर्चरी में. ये 5 इवेंट्स हैं जिसमें हमको ये मेडल्स मिले थे. अब यहां पर अवानी लेखरा जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन यहां पर हो गई थी जिन्होंने गोल्ड जीता था, गोल्ड एट दी पैरा ओलंपिक्स. तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट थी पैरा ओलंपिक्स में जिन्होंने गोल्ड भारत को जिता के दिया था, ठीक है. इसलिए इनका नाम आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. अब ये नरेंद्र मोदी जी का आप ट्वीट भी देख सकते हैं किस तरह से यहां पर उन्होंने इस चीज की बधाई भी दिया था पैरा ओलंपिक्स को लेकर. यहां पढ़ सकते हैं पैरा ओलंपिक्स को लेकर उन्होंने यहां पर ट्वीट किया, कहा कि ये एक बहुत ही भारत के इतिहास में बड़ी बात है, ये एक हिस्टोरिक नंबर है, इतने मेडल जीत के आना ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही गर्व की बात है. यहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज को कहा. अब ये टैली देख सकते हैं आप, सिंपल है, इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं. इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किस टैली में किसने कितने जीते, बट मैंने आपको बता दिया कि जैवलिन थ्रो था उसमें हमको एक गोल्ड मिला, ठीक है, एक जैसा आप देख सकते हैं सिल्वर ब्रॉन्ज, टोटल 3 हमको मिले. बैडमिंटन में हमको 2 गोल्ड मिले थे, ठीक है, सिल्वर में एक, यहां एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, टोटल 4 हो गया. टेबल टेनिस में 1 हमको गोल्ड मिला, कोई सिल्वर नहीं कोई ब्रॉन्ज नहीं, टोटल 1 मिला. शूटिंग में हमको यहां 5 मेडल्स मिले थे, टोटल 1 गोल्ड था 1 सिल्वर था जबकि 3 ब्रॉन्ज थे, ये भी देखिएगा. डिस्कस थ्रो, हाई जंप, एज यू कैन रीड, ये आप रीड कर सकते हैं, इसको मैं क्या ही समझाऊं, ठीक है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. अब यहां पर ये लिस्ट ऑफ वो इंडियन पैरालंपिक प्लेयर्स के नाम है, तो ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको एक बार नाम और किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो जरा याद रखिएगा, ठीक है, वो याद रखिएगा किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर आप देखिए ये लिखा हुआ है अवानी लेखरा, तो आपको याद होना चाहिए ये किसमें है, ये वुमेन 10 मीटर एयर राइफल भी, एयर 10 मीटर एयर राइफल. अब 10-20 मीटर याद नहीं करना है लेकिन एयर राइफल शूटिंग में मिला है, ये आपको याद रखना है. गोल्ड. जैवलिन थ्रो ऐसे पूछ सकता है, सुमित अंतिल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ऐसे पूछ सकता है सुमित अंतिल किस वाले स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए जैवलिन थ्रो से, ठीक है. प्रमोद भगत ये देखिए ये किससे हैं, ये बैडमिंटन से हैं. मनीष नरवाल ये किससे हैं, ये पिस्टल शूटिंग, अगेन शूटिंग से है, एयर शूटिंग आ गया, ठीक है. कृष्ण नागर ये किससे हैं, बैडमिंटन से हैं. भवीना पाटिल ये किससे है, ये टेबल टेनिस है. तो इस तरह से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है. ये आप देख सकते हैं और भी नाम है, सुहास यधिराज बैडमिंटन से हैं, प्रवीण कुमार ये हाई जंप से हैं, मरियाप्पा थंगवेलू ये भी हाई जंप से हैं, ठीक है. देवेंद्र झरिया जावलिन थ्रो से हैं, योगेश कठुनिया डिस्कस थ्रो से हैं, हाई जंप से निषाद कुमार है. तो देखिए इस तरह से आप क्लबिंग कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा. सिंहराज ठीक है, और आप देखिए सुंदर सिंह, तो इनके भी आप यहाँ पर शूटिंग और जावलिन थ्रो, तो आप समझ सकते हैं इनके आप मेडल्स याद करने की जरूरत नहीं है कौन किसको कौन सा मेडल मिला, लेकिन नाम और उनकी कैटेगरी क्या थी वो जरूर याद रखिएगा. सबकी नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो देखिए अवानी लेखरा की तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने गोल्ड जितवाया था, पहला गोल्ड जितवाया था पैरालंपिक्स में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. ये और कुछ नाम है जिसको आप यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, यही हमारा पूरा है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप अपना स्टडी कर सकते हैं. तो ये हमारा पूरा होता है लेक्चर, टोक्यो ओलंपिक्स और चंद्रयान के बारे में मैंने आपको बताया है. मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.